नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक साध और आप देख रहे हो अभिस्मान यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अभी मैं हूँ काली मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ यानी असुरन की तरफ, और आगे धर्मशाला ब्रिज, तो मैं ब्रिज होके जाऊँगा। और गाइज मैं चलूँगा मेडिकल कॉलेज की तरफ, और उधर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बदलाव हो चुका है, और लाइटें वाइटें लग गई हैं, और रोड भी दोस्तों बन गया है। तो मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाता हूँ शहर के, गोरखपुर के। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज चलते हैं, और मेरा दोस्त आशीष जो बाइक को ड्राइव कर रहा है, और मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ से हम लोग लेते हैं धर्मशाला ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम लोग जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं पूरे नज़ारे शहर के। और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों लाइक कर दीजिए, जिससे क्या है कि आगे वीडियो रीच करेगी। तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों उतना मतलब रस नहीं है, और इधर तो रस नहीं रहता है, बट पीछे रस रहता है काली मंदिर की तरफ, और अगर आप जाते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो गाइस चलते हैं, और इधर तो लाइट लगी हुई है, और जो मेडिकल कॉलेज की तरफ दोस्तों लाइट लगी है, वो मेरे को पता नहीं है अभी जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बट मैं अभी जाऊंगा रात के समय में कभी, तो मैं आपको अगर जलेगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसा दिख रहा है रात में। और दोस्तों पेड़ भी लग गया है बीच में, मेडिकल कॉलेज वाले रोड पे पेड़ भी लग गया है, तो वो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। तो और हाईवे बन गया है, तो इसीलिए दोस्तों मतलब एकदम मस्त लग रहा है रोड पे, और नज़ारे आप लोग देखिए काफ़ी शानदार नज़ारे हैं। और गाइज मेरे राइट साइड में है दोस्तों रेलवे स्टेशन गोरखपुर का, तो उसका ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, कभी जाता हूँ तो वहाँ का पूरा फुल वीडियो मैं आपको बनाऊँगा ब्लॉग, और उसमें मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूँगा गोरखपुर स्टेशन के बारे में। और दोस्तों गोरखपुर का जो म्यूज़ियम है उसका भी ब्लॉग मैं, रेल म्यूज़ियम उसका भी ब्लॉग मुझे बनाना है, बट अभी मैं घर पर ही हूँ तो इसलिए मेरे को मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट जल्द ही मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं असुरन पहुँचने वाला हूँ, और असुरन पहुँच के दोस्तों मैं मेडिकल कॉलेज वाले रोड से होकर जाऊँगा। तो आपको दिखाते हैं पूरे शहर के नज़ारे, और दोस्तों आप देख सकते हैं और मेरा जो दोस्त है बाइक को ड्राइव कर रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा ड्राइव कर रहा है, वो सही है, और उतना भीड़ नहीं है, और दुकानें भी काफ़ी ज़्यादा इधर आप देख सकते हैं बंद है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ दुकानें बंद हैं, और इधर तो दोस्तों आपको काफ़ी मतलब सामान यहाँ पर बिक्री होती है, बट अभी तो बंद है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइज असुरन चौक। तो दोस्तों धूप मतलब उतना ज़्यादा धूप नहीं हुआ है, बट हुआ है कुछ, और धूप छाँव हो रहा है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं असुरन चौक, और जिसका नाम है दोस्तों जयप्रकाश नारायण चौक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम जयप्रकाश नारायण चौक है, जो पहले असुरन चौक था, बट अभी भी लोग असुरन चौक ही कहते हैं, जयप्रकाश नारायण चौक कोई नहीं कहता है उतना, और ज़्यादातर तो जय असुरन चौक ही कहा जाता है। जैसे दोस्तों बेतिहाता है, और भी दोस्तों बहुत से चौराहे हैं जिसको नाम तो दूसरा दिया गया है, बट वो पहले से जो फेमस है वही लोग उसको कहते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं गोरखपुर का जो महाराजगंज टू गोरखपुर जो हाईवे है उस पर आ गए हैं, और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं इधर तो काम हो गया है, और हाईवे भी बन गया है दोस्तों। और जो खजांची की तरफ था दोस्तों जो चौराहे पे अभी बना नहीं था, वो भी दोस्तों अब बन गया है, और वहाँ पे भी दोस्तों बन गया है, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में दोस्तों जो है बन रहा है रिंग का जो बनता है ना दोस्तों, वो बन रहा है, और ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्तों जो बीच में रहता है, जैसे है आपका कचहरी चौराहे पे, तो ऐसा कुछ बीच में राउंड के तरफ सर्कल वाला जो है वो बन रहा है, तो अभी और डेवलप होगा दोस्तों। और इधर देख सकते हैं काफ़ी मकानें ध्वस्त हुई हैं, तो रोड चौड़ा होने की वजह से दोस्तों काफ़ी मकानें ध्वस्त हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, और वो तो होना ही था। और गाइस और आगे है दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में वी मार्ट, तो
अभी तो दोस्तों इस समय आज मतलब बंद होगा। और तो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ। और आगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और हम लोग सीधा चलते हैं और आगे से दोस्तों कुछ समय के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। पेड़ लग गया है तो वो तो मतलब धीरे धीरे लग रहा है, इधर भी लगेगा कुछ समय बाद, बट अभी तो नहीं लगा है। इधर आप देख सकते हैं बीच में जो डिवाइडर है उसके बीच में जो मिट्टी को पाट दिया गया है। और दोस्तों इसमें भी पेड़ लगेगा, बट अभी कब लगेगा मेरे को आइडिया नहीं है। और इधर मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों एमबी हीरो का शोरूम जस्ट अभी क्रॉस किया है, और इधर देख सकते हो मिट्टी यहाँ पर है, तो इसको बराबर करके हो सकता है पेड़ लगाया जाए। और लाइट भी दोस्तों इधर लग जाए तो काफ़ी अच्छा है। उधर तो लग गया है दोस्तों मेडिकल कॉलेज की तरफ और मुगलहा की तरफ, बट इधर अभी तो नहीं लगा है। और इधर भी लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। और इधर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन का जो बस है और वो जा रहा है। तो गाइस चलते हैं आगे, और आप लोग वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आते दोस्तों लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसे ऐसे ब्लॉग मतलब बनाता रहूँगा। अभी तो मैं घर पर रह रहा हूँ, बट मैं जब गोरखपुर में रहने लगूँगा और दोस्तों तब गोरखपुर का ब्लॉग और अन्य शहर का भी ब्लॉग मैं आपके लिए बनाऊँगा। और मुझे एक्शन कैमरा भी लेना है, तो मैं अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है, ना तो मैं एक्शन कैमरा ले लेता, बट मैं ट्राई करूँगा। और कोई इनकम सोर्स नहीं है गाइज, नहीं तो मैं अभी पहले ले लिया होता गोप्रो। तो मैं जब कमाने लगूँगा उसके बाद से मैं गोप्रो भी लूँगा और आपके लिए एक अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। और मेरे लेफ्ट साइड में है जेल रेस्टोरेंट, तो चलते हैं आगे। और गाइज मैं अभी अन्य शहर का भी ब्लॉग बनाऊँगा, लाइक देवरिया हो गया, आपका लखनऊ हो गया, और दिल्ली तक भी मैं जाऊँगा। तो अभी नहीं, अभी कुछ समय बाद, क्योंकि अभी फाइनेंशियल मैं वीक हूँ, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं करूँगा और ब्लॉगिंग करूँगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं कंटेंट आपके लिए लाऊँगा। अभी तो मैं गोरखपुर का ही ला रहा हूँ। इधर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हो गया चालू आपका, पेड़ लग गया बीच में गाइज, और आप देख सकते हैं उसके जो पत्ते हैं दोस्तों ऊपर उठा के बांध दिए गए हैं। और इधर भी लग गया है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा मतलब पेड़ लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। और गाइज आपको और आगे दिखाते हैं, और आगे तो लाइट भी लग गया है, तो वो क्या है उसे कौन सा लाइट बोलते हैं मेरे को, हेरिटेज ऐसे कुछ करके है मेरे को, मतलब मैं अगर सही से नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस लाइट को क्या बोलते हैं, हेरिटेज लाइट बोलते हैं या क्या बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट लग गया है गाइज, और लाइट काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जब जलेगा तो और भी अच्छा लगेगा, बट अभी तो जल नहीं रहा है। अभी तो मैं रात में गया नहीं हूँ बहुत दिनों से, तो मैं जब अगर रात में जाऊँगा अगर जलेगा तो मैं उसका वीडियो नाइट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, और पूरा मतलब मैं कवर करूँगा जितना जहाँ तक लाइट लगा हुआ है मैं पूरा कवर करूँगा आप लोगों के लिए, और एक अच्छा सा ब्लॉग वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। और इधर देख सकते हैं दोस्तों बीच में जो लगे हैं उसके बीच में भी पेड़ लगे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेट्रो का जो बनना था गाइज अभी तो नहीं बन रहा है कोई, अभी कंस्ट्रक्शन उसका मेट्रो का नहीं चालू हो सकता है दोस्तों, ये रोड वोड चौड़ा हो जाए उसके बाद। इधर देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर हो रहा है, तो हो सकता है रोड वोड चौड़ा हो जाए उसके बाद मेट्रो का भी काम चालू हो, बट अभी तो कोई मतलब उतना आइडिया नहीं है मेरे को, और कहीं काम भी नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको अपडेट देता। अगर इन फ्यूचर अगर बनता है मेट्रो तो मैं आपके लिए अच्छा ब्लॉग मेट्रो का जो अपडेट है मैं उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करके दिखाऊंगा अपने चैनल पर, अभी स्मार्ट जोन चैनल पर। तो अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी गाइज। और दोस्तों इधर है मेरे लेफ्ट साइड में SS रेस्टोरेंट एंड और SS पैलेस, तो गाइज, और राइट साइड में है इंडियन भारत का जो पेट्रोल पम्प है, भारत पेट्रोलियम वो है। तो आप लाइट देखिए गाइज, काफ़ी शानदार लाइट लग रहा है, और कुछ कुछ पेड़ हैं जो सूख गए हैं, और उसको देखते हैं चेंज किया जाएगा या क्या किया जाएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट हो सकता है चेंज किया जाए उसको। और गाइज आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो का, और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं खजांची चौक, तो आपको मैं खजांची चौक पहुँच के मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाइज ये है दोस्तों आपका खजांची चौक चौराहा, तो इधर आप देख सकते हैं।
और गाइस इधर यहाँ पर आप देखिए, और इधर भी दोस्तों रोड बन गया है गाइस, और आगे है दोस्तों इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और यहाँ से दोस्तों भी काफ़ी अच्छा लाइट मतलब इधर भी लग गया है, और बगल में दोस्तों बन रहा है, अब मेरे को नहीं पता कि क्या बन रहा है बगल में, जो थोड़ा जगह छोड़ दिया गया है उसको अगर साइकिल पथ होगा या क्या होगा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है साइकिल पथ हो। और गाइस इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मतलब शानदार नज़ारे हैं इधर के, और पेड़ लग गया है, लाइट लग गया है, और क्या चाहिए गाइस, अगर मेट्रो बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, बट ज़रूर बनेगा मेट्रो भी आपका बनेगा, पास हुआ था मेट्रो बट अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा उसका, तो कोई अभी कंस्ट्रक्शन अभी उसका कोई चालू नहीं है मेट्रो का, बट देखते हैं आगे अगर बनता है मेट्रो तो आपको मैं पूरा अपडेट फुल अपडेट मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अभी चरगावा चौराहे पे, और गाइस चरगावा चौराहे के बाद आपका मुगलहा आता है, मुगलहा के बाद आपका दोस्तों मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको पूरे शानदार नज़ारे, और आप लोग वीडियो पे बने रहें ऐसे ही, और दोस्तों पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, जिससे क्या है कि वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से जितना ज़्यादा वॉच टाइम जिस वीडियो पे रहता है उतना वो वीडियो को पुशअप मिलता है और अन्य लोगों को इंप्रेशन मिलता है, तो रीच मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग चौराहा जस्ट चरगांव चौराहा क्रॉस किए हैं, और इधर भी दोस्तों अभी लाइट नहीं लगा है, और इधर लाइट नहीं लगा है, और मेडिकल के आगे भी लग गया है लाइट, बट इधर नहीं लगा, इधर भी लगेगा कुछ समय बाद हो सकता है, और मेडिकल की तरफ तो दोस्तों लग गया है, मैं आपको उधर भी हो सकता है चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहे हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, आप लोग जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, और हम लोग 100K भी जाएंगे जल्द, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस अप्रिसिएट कीजिए। और इधर देख सकते हैं वी-मार्ट का है जो, और आज तो बंद है, और गाइस मेरे राइट साइड में है सिटी हॉस्पिटल, और ये दोस्तों एक और रचित हॉस्पिटल जो सिटी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में बन रहा है, वो नया बन रहा है दोस्तों, पहले नहीं था इधर, पहले तो तारामंडल के आसपास मेरे ख्याल से था रचित हॉस्पिटल, बट अब यहाँ पर भी उसका जो है बन रहा है रचित हॉस्पिटल जस्ट आपका सिटी हॉस्पिटल के जस्ट आपका साइड में ही बन रहा है, सिटी हॉस्पिटल के जस्ट साइड में बन रहा है, और हम लोग पहुँच चुके हैं मुगलहा, और इंडियन ऑयल का पेट्रोल आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में, और गाइज अभी हम लोग पहुंचने वाले मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज चल के मैं आपको मेडिकल कॉलेज भी दिखा रहा हूँ, और मेडिकल कॉलेज के भी नज़ारे मतलब दिखाऊंगा गाइज, और अभी मेरा दोस्त जो है आशीष तो बाइक को ड्राइव कर रहा है, और मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इधर दोस्तों, अब मैं मुगलहा पहुँच चुका हूँ, तो दोस्तों पीछे जो मेरे अभी जस्ट लेफ्ट साइड में क्रॉस हुआ है वहाँ पर आपको बाइक से रिलेटेड मतलब काफ़ी रिपेयरिंग की दुकानें हैं, बाइक से रिलेटेड आप काम वहाँ पर करवा सकते हैं, मेरे को भी सर्विसिंग कराना था तो मैं भी वहीं पर कराया था दोस्तों, अपना बाइक का हीरो का बाइक का सर्विसिंग मैं वहीं पर कराया था, और दोस्तों मैं और भी प्लान करूँगा लंबे लंबे राइड का, बट अभी नहीं, कुछ समय बाद हो सकता है मैं नेपाल भी जाऊँ, बट अभी एक्शन कैमरा जब हो जाएगा तो मैं नेपाल राइड भी करूँगा, तो आपको फुल ब्लॉग मिलेगा उसका भी, और आगे देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों लग गया है लाइट मेडिकल कॉलेज से, दोस्तों इधर भी लग गया है लाइट, और ये देख सकते हैं दोस्तों मेन इंट्रेंस द्वार है जो मेडिकल कॉलेज का वही है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और दोस्तों अपना ख्याल रखिए।